नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बनाए हैं, लेकिन बावजूद इसके इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डरों का पर्दाफाश करके आपको आगाह करेंगे। साथ ही जब तक जालसाज बिल्डरों को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा लेते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप भी बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड न कर सके। ग्रेटर नोएडा का ग्रैंड वेनिस मॉल का आवंटन रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये वो मॉल है जिसको इटली के शहर वेनिस की तर्ज पर बनाया गया है। द ग्रैंड वेनिस के निर्माण में नियम कायदे की अनदेखी हुई है। टेंडर देने से लेकर मॉल में दुकानों के आवंटन तक में गड़बड़ी देखने को मिली है। कमिश्नर ने मॉल प्रबंधन पर FIR के निर्देश दिए हैं, लेकिन अगर सही जाँच की गई तो ग्रेटर नोएडा के बड़े अफसर भी लपेटे में आ जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। द ग्रैंड वेनिस में बड़ा घोटाला। पार्क का लैंड यूज बदलकर बनाया मॉल। FIR बढ़ाने और अनियमितता पर FIR। पानी में बहे निवेशकों के 700 करोड़ रुपए। ग्रेटर नोएडा का द ग्रैंड वेनिस मॉल अपनी भव्यता के लिए चर्चा में था। मॉल के भीतर का यह नजारा हर किसी को बरबस खींच लाने पर मजबूर कर देने वाला है, फिर वो निवेशक हो या फिर शॉपिंग करने वाले लोग। लेकिन इस शानदार सजावट के पीछे घोटाले का दाग छिपा था। बिल्डर ने इस मॉल को बनाने के लिए तमाम नियम कायदे कानून ताक पर रखकर निर्माण किया। जिस जमीन पर द ग्रैंड वेनिस मॉल बनाया गया, मास्टर प्लान में वहां पार्क हुआ करता था। UPSIDC यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरों की मिली भगत से पार्क की जमीन का न सिर्फ लैंड यूज चेंज किया गया, बल्कि उसको कॉमर्शियल प्लॉट में बदलने की चाल चली गई। उसी साजिश की इमारत पर इठलाता ये मॉल आज नियमों की खिल्ली उड़ा रहा है। पहले खाली था, ज्यादातर खाली पड़ा रहता, तो फिर ये देखो विकास होने लगा, मॉल बनने लगा है। ऐसे ही फिर ये मॉल का निर्माण हो गया। इधर नहीं, किसी को पता नहीं है, भाई सुनाई आ रही है गलत तरीका से बनाया है, तो ऐसा देखते हैं क्या होता है। हाँ, सुना सुन तो रहे हैं, ऐसे ही जो भी जायजा वो तो होगा ही। द ग्रैंड वेनिस मॉल 95% मन कर तैयार है। इसमें निवेशकों के 700 करोड़ रुपए बह चुके हैं। जिन निवेशकों ने मॉल में दुकान खरीदी, उसको MOU दूसरी कंपनी के नाम से हुए, जबकि मॉल किसी दूसरे के नाम पर है। जिस तरह ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक मोंटी भसीन ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है, उससे बड़ा उदाहरण देश भर में नहीं मिलेगा। ऐसे हुआ खेल। UPSIDC ने 2006 में इंडस्ट्रियल प्लॉट को होटल और कॉमर्शियल में तब्दील किए जाने की नीति बनवाई, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में 3 प्लॉट्स को कॉमर्शियल लैंड में बदला गया। साल 2006 में भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को करीब 40,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। भसीन को दिया गया कॉमर्शियल प्लॉट काफी पीछे था। इस समय यहाँ ये मॉल है, उसके आगे मास्टर प्लान में पार्क था। आरोप है कि लेआउट प्लॉट के बदलाव पर कमर्शियल प्लॉट को पार्क की जगह शिफ्ट कर दिया गया। मामले की शिकायत तक शासन में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्डर आंख मूंद कर काम कराता रहा। नतीजा ये हुआ कि पूरा मॉल बनकर तैयार हो गया। लंबे वक्त तक कोई जिम्मेदार ये जांचने नहीं पहुंचा कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद 95% काम कैसे हो गया। उल्लंघन नंबर 1, 2006 में UPSIDC ने विज्ञापन निकाला। आरोप है कि उस वक्त 2 कंपनियों के टेंडर अंतिम डेट लाइन के बाद स्वीकारे गए। उल्लंघन नंबर 2, पार्क की जमीन पर मॉल बनवाया गया। उल्लंघन नंबर 3, सर्किल रेट का पालन नहीं किया गया। जिस वक्त मॉल बना, उस वक्त DM सर्किल रेट 12,000 प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन बिल्डर को यह जमीन 9,001 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी गई। उल्लंघन नंबर 4, FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो 1.5 था, जबकि द ग्रैंड वेनिस का FAR 4 है। FAR को बीच में बढ़ाया गया। FAR बढ़ाने का कोई रेट नहीं लिया गया। इतनी अनियमितता के बावजूद आज ये मॉल खड़ा है। शिकायत जब मेरठ कमिश्नर प्रभात कुमार तक पहुंची, तो उन्होंने एक्शन लिया। कमिश्नर ने अपने पहले स्टेप में मॉल के आवंटन को रद्द कर दिया और FIR कराने के निर्देश दे दिए। देखिए, एक मिस्टर ब्रिजभूषण शर्मा जी हैं,
इन्होंने तहरीर दिया ग्रैंड वेनिस माल मशीन इन्फोटेक के खिलाफ, जिस पर थाना कासना पे 406, 467, 468 और 471 के IPC के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में मूल रूप से ये बताया गया है कि ये जो मॉल बना हुआ है ग्रैंड वेनिस मॉल, ये पार्क की ज़मीन हुआ करती थी और इस पार्क की ज़मीन पे ये गलत तरीके से यहाँ पे मॉल का निर्माण किया गया। मोंटी भसीन पर 5-5 FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन क्या उसे नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? जिस पुलिस प्रशासन और UPSIDC ने मिलकर मोंटी भसीन का मॉल बनवाया, उसे देखकर तो नहीं लगता कि पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। रही बात निवेशकों के डूबे 700 करोड़ रुपए की, तो उसके लिए पहले मोंटी भसीन की गिरफ्तारी जरूरी है। नोएडा से दानिश अजीज, भारत समाचार। ग्रैंड वेनिस मॉल के बाहर से जायजा लिया हमारे संवाददाता दानिश अजीज ने, आइए आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। बिल्डर किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर डालते हैं, इसकी वानगी देखने को मिल रही है ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल के रूप में। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल पे ही खड़े हैं। ये मॉल 2007 में UPSIDC ने इस मॉल को ज़मीन आवंटित करी गई और आवंटित करने के बाद 2014-15 में इसका उद्घाटन किया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जिस तरीके से ये मॉल बनाया गया 2007 में, जब ये ज़मीन आवंटित करी गई थी, यहाँ पर पार्क था, पुलिस की चौकी थी, लेकिन उसका लैंड यूज़ UPSIDC के अधिकारी से मिलकर जो इसका मालिक है बसीन, उसने चेंज करा लिया। लगातार शिकायतें सरकार को भी मिल रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नई सरकार बनी तो नई सरकार में जब शिकायत करी गई तो यहाँ के जो मेरठ मंडल के जो कमिश्नर हैं प्रभात कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू करी। जांच में पाया गया कि हाँ, ये मॉल गलत तरीके से बना हुआ है और लिहाजा इस मॉल का जो आवंटन था वो रद्द कर दिया गया। साथ ही जो बिल्डर है उसके बसीन, उसके खिलाफ FIR जो है करने के आदेश दिए गए और कासना थाने में FIR दर्ज भी हो गई। जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करा गया तो कहीं ना कहीं UPSIDs के अफसरों के साथ मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर जो पार्क था उसकी भी जांच चल रही है, जो ARM है UPSIDC के, उनको ये जांच दी गई है कि पार्क की भी जांच करी जाए कि आखिर कितना लैंड यूज़ इन लोगों ने चेंज किया और कितनी ज़मीन गलत तरीके से हथियाई और उसको माल में तब्दील कर दिया। जिस तरीके से अफसरों के साथ मिलकर बसीन ने इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया और तकरीबन 700 करोड़ रुपये निवेशकों के डूब गए क्योंकि उनकी दुकानें नहीं मिली हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया लेकिन उनकी दुकानें नहीं मिली हैं, तो निवेशकों के 700 करोड़ रुपए इस मॉल में डूब चुके हैं। उन अफसरों की भी जांच होनी चाहिए जिन अफसरों ने इतने गलत तरीके से इस ज़मीन को आवंटित कर दिया और 700 करोड़ रुपए फंसा दिए आम निवेशकों के। तो देखना होगा जिस तरीके से अब इसका आवंटन रद्द हुआ है और जिस तरीके से अब FIR दर्ज है, तो नोएडा पुलिस और ग्रेटर नोएडा पुलिस कब इस बिल्डर को गिरफ्तार करती है, जिससे कम से कम बिल्डरों, बेईमान बिल्डरों पर एक मैसेज जाए कि अगर गलती करेंगे तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। समाचार दानिश अजीज इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दानिश, बड़ा सवाल, 700 करोड़ यहां पर निवेशकों का डकार गया, 5-5 FIR दर्ज हो जाती है, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं होती, आखिर इस सबके पीछे वजह क्या देखी जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं, बेईमान बिल्डर हैं, इनके खिलाफ FIR जरूर दर्ज होती है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इससे पहले भी देखा गया है कई बड़े बिल्डरों के ऊपर FIR दर्ज हुई लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ये बेईमान बिल्डरों के दिलों में खौफ नहीं है। ये लोगों को चूना लगा देते हैं, अरबों खरबों रुपए लूट लेते हैं और इनको मालूम है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लिहाजा इसलिए आराम से अपनी इस लूट के धंधे को चलाते रहते हैं। हालांकि जब इन अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करेंगे और साथ ही उन अधिकारियों को भी चिन्हित करेंगे जिन अधिकारियों के मदद से ये जमीन घोटाला किया गया, जिसका लैंड यूज चेंज करके इस जमीन को बेचा गया। लेकिन तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है मुकदमा करे हुए, अगर कोई छोटा मोटा अपराधी होता तो अब तक पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि बिल्डर का मामला है और अरबों रुपए का मामला है तो पुलिस भी अभी तक ना ही वकील से पूछताछ करी है, ना ही मॉल के अंदर गई, और सबसे बड़ी बात कि हाँ, आवंटन रद्द हो गया था उसके बावजूद भी अभी तक वो मॉल चल रहा है। जब आज भारत समाचार की टीम ने वहां का निरीक्षण किया तो पूरी तरीके से मॉल वहां पर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगाई गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े घोटालेबाज को किस तरीके से संरक्षण मिल रहा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण UPSIDC और ग्रेटर नोएडा पुलिस का, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिल्डर को मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लिहाजा खाना पूर्ति हो रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो संरक्षण है UPSIDC और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, उसकी वजह से खुलेआम आज भी ये घूम रहा है बेईमान बिल्डर। जी बहुत शुक्रिया दानिश अजीज इस पूरी बातचीत के लिए।
नोएडा को बने 42 साल हो गए, लेकिन 42 साल में नोएडा के पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सॉलिड प्लान नहीं है। डंपिंग ग्राउंड भी ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां रिहायशी इलाके हैं। सेक्टर 119 में बनने वाले डंपिंग ग्राउंड का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कूड़ा इकट्ठा करके हमारे सर पे मत डालो। पुलिस प्रशासन के दम पर हम लोगों को डरा रही है, धमका रही है। डंपिंग ग्राउंड का मामला गरमाता जा रहा है। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग, 119 के जो लोग थे वो विधायक पंकज सिंह के आवास के बाहर पहुँचे हैं। बाकायदा एक ट्रक जो है कूड़ा लेकर पहुँचे हैं, या यहाँ पर कूड़ा डालना था, लिहाजा यहाँ पर बहुत से लोग पहुँचे और उनका सीधा मानना है कि उनकी चीजें सुनी नहीं जा रही है। भले ही नोएडा 42 साल का हो गया, लेकिन इन 42 सालों में प्राधिकरण ने डंपिंग ग्राउंड का कोई इंतजाम नहीं किया। सारी जमीन बिल्डरों को बेच दी। शहरवासियों के लिए डंपिंग ग्राउंड या फिर अन्य सुविधाओं के लिए जमीन बची नहीं, लिहाजा अब प्राधिकरण रिहायशी इलाकों में डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। दरअसल नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोएडा की लगभग सभी जमीनों को बिल्डरों को थमा दिया। नतीजा ये हुआ कि प्राधिकरण को कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा। आनंद फानन में रिहायशी इलाकों को डंपिंग ग्राउंड चिन्हित कर दिया। आज हम यहाँ पे पंकज सिंह जी को घेरने आए थे, नोएडा प्राधिकरण का पुतला फूंकने आए थे, और ये पुतला जो है हम फूंक रहे थे, जो नोएडा प्राधिकरण डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 123 में बना रहा है और सेक्टर 54 में बना रहा है। यह डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल अनलीगल है, जनता के बीच है, आबादी घनी आबादी है, सघन आबादी है। अब हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जा रहे हैं सेक्टर 19 और वहाँ ज्ञापन देंगे। सेक्टर 119 को डंपिंग ग्राउंड घोषित करने पर विरोध के सुर भी तेज हो गए। लोगों ने बीजेपी विधायक पंकज सिंह के घर पर प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान डंपिंग ग्राउंड की गंभीर समस्या की ओर खींचा। निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण ने गलत जगह पर डंपिंग ग्राउंड तैयार करने का आदेश दिया है। विरोध में प्रदर्शनकारी एक ट्रैक्टर कूड़ा लेकर सेक्टर 20 के विधायक पंकज सिंह के घर पहुंचे, जहां पुलिस ने लोगों को कूड़ा फेंकने से रोक दिया। ये जो कूड़ा लेकर हम आए थे, ये कूड़ा इसलिए था कि हम यहां पे पुतला फूंकने के बाद में इसे नोएडा प्राधिकरण के गेट पर डालकर विरोध प्रदर्शन करा जाता कि नोएडा में डंपिंग ग्राउंड ना बनाए, क्योंकि आप हम पास में देख सकते हैं कि दिल्ली के पास में दो दो डंपिंग ग्राउंड हमारे नोएडा के पास में बने हुए हैं, जिससे आए दिन यहां पर बदबू के कारण, अभी पूर्व में आपने देखा कि जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था दिल्ली का, वहां पर कई मौतें भी हो गई उसके ढलान होने के कारण। सेक्टर 119 के निवासी लंबे समय से प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण की मनमानी का असर उनकी सेहत पर पड़ने वाला है। अगर रिहायशी इलाके में डंपिंग ग्राउंड बना तो लोगों को बीमारियां जकड़ लेंगी, उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड बनो, हमारे बच्चे, हमारे बड़े औरतें, बड़े बूढ़े ये कैंसर से, ऐसी बीमारियों से लोग जूझेंगे, ऐसे इनसे मरेंगे। हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा, अगर ये नहीं हमारी बात को मानेंगे तो इस आंदोलन को हम किसी मुकाम तक लेके जाएंगे। हम यहाँ से प्रधानमंत्री जी का आवाज तक जाएंगे, हम संसद भी घेरेंगे, हम हर आंदोलन के लिए तैयार हैं। डंपिंग ग्राउंड का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार और प्राधिकरण ने अगर इस तरफ ध्यान न दिया तो आने वाले समय में शहर की ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड 119 से बनाने का जो प्राधिकरण का जो प्लान है, उससे कहीं ना कहीं बीमारियां फैलेंगी, जिसके बाद से ही यहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। सेक्टर 54 में महेश शर्मा ने वादा किया था, लिहाजा वहां पर डंपिंग ग्राउंड कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पंकज सिंह जो विधायक हैं नोएडा के, यहां पर लोग आए हुए थे और अब यहां से निकल कर नोएडा विकास प्राधिकरण जा रहे हैं और वहां पर डंप करेंगे जो कूड़े के ट्रक ये लेकर यहां पर आए हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, 12 समाचार, नोएडा। और फिलहाल यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। अमरपाली ग्रुप पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके 6 अधूरे प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान मांगा है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी वाइज प्लान सबमिट करने को कहा है। प्लान में सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि कैसे रकम लगाई जाएगी, कितने घर खरीदारों से रकम ली और कितने क्रेडिटर्स की उधार है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। ये रिपोर्ट देखिए। आम्रपाली पर SC सख्त, 6 प्रोजेक्ट पर मांगा बिजनेस प्लान, 25 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई।
17 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर से उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स का बिजनेस प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी ए और बी में आम्रपाली के 6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर से बिजनेस प्लान मांगा है। कैटेगरी ए में वो प्रोजेक्ट हैं जिनमें 80% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। इस कैटेगरी में आम्रपाली के नोएडा में 3 प्रोजेक्ट हैं जिनमें सिलिकॉन सिटी, प्रिंसले एस्टेट और सफायर है। कैटेगरी बी में आम्रपाली के वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 70% से 80% तक काम हुआ है। इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं, आम्रपाली स्मार्ट सिटी, लेजर वैली और सेंचुरियन पार्क। इन 6 प्रोजेक्ट के बिजनेस प्लान जमा करने को कहा गया है। बिजनेस प्लान में बिल्डर को सभी क्रेडिटर्स की बकाया राशि और फ्लैट खरीदारों की जमा राशि और उनके आने वाले शेष राशि का ब्यौरा देना होगा। साथ ही 6 प्रोजेक्ट को 12 महीने के अंदर पूरा करने के लिए कितना फंड और लगाना होगा और उस फंड का स्रोत क्या होगा, इसका विवरण भी बिजनेस प्लान में देना होगा। कोर्ट ने फिर बैंक और IRP और फ्लैट खरीदारों के बीच दखल नहीं देने की सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कोई भी फ्लैट खरीदार बकाया राशि सीधे बिल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी और 25 अप्रैल की सुनवाई में ही बिल्डर को सारे प्लान सौंपने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इरोज संपूर्णम सोसाइटी में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तो दूसरी ओर बिल्डर अनिल सूद, अमन सूद खुलकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बिल्डरों की करतूत से आज 300 निवेशक परेशान घूम रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए निवेश किया था, लेकिन जो वादे इन निवेशकों से किए गए बिल्डर ने उनको पूरा नहीं किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी इरोज संपूर्णम सोसाइटी में सैकड़ों निवेशकों ने इकट्ठा होकर सोसाइटी परिसर में चूल्हा चौका रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। निवेशकों का आरोप है कि सोसाइटी में बने घर अब रहने लायक नहीं है, यही वजह है कि वो अब घर के बाहर चूल्हा चौका रखकर खाना बनाने को मजबूर हैं। निवेशकों का आरोप है कि जब भी वो आवाज उठाते हैं उन्हें जान से मारने की धमकी बिल्डर अनिल सूद और अमन सूद देते हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करना उनके लिए जान जोखिम में डालने के बराबर है। यहाँ पे फर्स्ट कंसर्न हमारा सेफ्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे फायर सेफ्टी से हमें पता नहीं फायर डिपार्टमेंट से कैसे NOC मिला, हमें भी कंफर्म नहीं है। दिया भी है NOC या नहीं दिया है हमें कुछ नहीं पता है। हमारे यहाँ पे अभी जस्ट मेरे टावर के ऊपर अभी एक फ्लैट में आग लगी, वो आग इतनी भीषण थी कि उसमें सब कुछ जल गया, वो फ्लैट किसी भी काम का नहीं बचा है, पूरे में आग लग चुकी है। बट किसी ने यहाँ पर आके एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची कि यहाँ पे आके एटलीस्ट देखें, एक बार जाके कोई भी कंसर्न उन्होंने शो नहीं किया, एक बार भी देखा तक नहीं कि क्या आग लगी है, क्यों लगी है, कैसे इन लोगों ने सर्टिफिकेशन दे दिया हमें नहीं पता, कैसे इन लोगों ने NOC प्रोवाइड की है, अथॉरिटी ने कैसे इनको जो है ना OC भी दे दिया कैसे हमें नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ से डीजी सेट से रिलेटेड है। डीजी सेट जो है वो हमारा ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है और उसके जो पाइप्स हैं वो हार्डली जो है ना 1 फुट ऊपर है, दैट्स इट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी इरोज संपूर्णम सोसाइटी में सैकड़ों लोगों ने अपने आशियाने की तलाश में यहाँ निवेश किया था। बिल्डर ने हसीन सपने भी दिखाए, इसी के चलते 300 से ज्यादा परिवार इस सोसाइटी में रहने लगे, लेकिन बिल्डर के दावे और वादों में फर्क दिखने लगा। नतीजा ये हुआ कि सोसाइटी में लोगों को गंदा पानी मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम नहीं है, छोटी छोटी दीवारें होने की वजह से अक्सर घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही फायर विभाग की नजर आ रही है, जिससे सोसाइटी में 1 सप्ताह पहले लगी एक फ्लैट में आग लग गई, लेकिन आग बुझाने के लिए सोसाइटी में लगे उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोसाइटी में फायर इक्विपमेंट काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिल्डर को NOC आखिर किस आधार पर दी गई। लोगों का आरोप है कि बिल्डर और फायर विभाग की मिलीभगत की वजह से बिल्डर ने NOC हासिल की है, वही सोसाइटी में लिफ्ट भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। अक्सर बूढ़े और बच्चे लिफ्ट के खराब होने की वजह से बीच में फंस जाते हैं, जान जोखिम में डालकर लोग इरोज संपूर्ण सोसाइटी में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा सोसाइटी में खुले में ही जनरेटर लगा हुआ है जो कि NGT के आदेशों का खुला उल्लंघन है। सब कुछ खुलेआम चलने के बावजूद बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना निवेशकों के हौसले को पस्त कर रहा है। सूबे में सरकार भले बदल गई हो, दावे बिल्डरों पर कार्रवाई की किए जा रहे हो, लेकिन हकीकत कहीं जुदा है।
तस्वीर जिस तरह से पहले सरकार में थी, इस सरकार में भी कमोवेश यही नजर आ रहा है। हम आपको फ्लैट देने से पहले भी लूटेंगे और फ्लैट देने के बाद भी, यही स्लोगन है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बेईमान बिल्डरों का। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से इरोज बिल्डर ने जिस तरीके से लोगों से पैसे लिए मेंटेनेंस के नाम पे और भी कई सुविधाओं के नाम से, लेकिन आज यहाँ पर ना ही सुविधाएं दी जा रही हैं और ना ही मेंटेनेंस। लोग मजबूर हैं प्रोटेस्ट करने को। बाकायदा यहाँ के लोग अपने जो चूड़ी चौका होता है बाकायदा बाहर ले आए और यहाँ पर खाना पका रहे हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन है और मांग कर रहे हैं कि इस बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करी जाए, क्योंकि मोटी रकम वसूली गई मेंटेनेंस के और सुविधाओं के नाम से, लेकिन यहाँ पर ना ही मेंटेनेंस दिया जा रहा है और ना ही सुविधाएं। जिस तरीके से लगातार, चाहे वो बायर्स हो जिसको फ्लैट नहीं मिला या फिर वो बायर जिनको फ्लैट मिल चुका है वो परेशान हाल है, तो क्या सोते हुए प्राधिकरण जागेगी और सुनेगी इन बायर्स की पुकार? कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश हरीश, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।